अस्सलाम वालेकुम मदिहा राहिल ज़हर। आज करेंगे हम पैलीक्योर। पैडीक्योर करने के लिए आपने सबसे पहले अपने पाँव की डेड स्किन को रिमूव करना है, जो मोस्टली हील के एरिया पर होती है और बहुत इरिटेट करती है। इसको रिमूव करने के लिए मैं ओरिफ्लेम का फुट फाइलर यूज़ करूँगी, जिससे मेरे पाँव की जितनी भी ड्राई और रफ स्किन है, वो डेड स्किन है, वो रिमूव हो जाएगी। अच्छे तरीके से रब करें, हमेशा ड्राई फुट के ऊपर अप्लाई करें ताकि पाउडर की फॉर्म में निकल जाए। मैंने अपने दोनों पाँव की जो डेड स्किन है उसको रिमूव कर दिया है। उसके बाद आप अपने पाँव को साबुन से या क्लेंजर से वॉश कर सकते हैं। आप अच्छे तरीके से वॉश करें। मैं यहाँ पर अपने पाँव को साफ करने के लिए साबुन यूज़ कर रही हूँ, बोटानिकल्स का सोप है। उसके बाद अच्छे तरीके से मैं अपने पाँव को साफ़ करूँगी, क्योंकि कुछ भी अप्लाई करने के लिए आपने सबसे पहले क्लेंजिंग करनी होती है। देन मैं शुगर स्क्रब अप्लाई करूँगी। शुगर स्क्रब की बहुत ही थोड़ी सी अमाउंट लूँगी और अपने पाँव के ऊपर लगाकर पाँव को गीला करते हुए और अपने हाथों को गीला रखते हुए इसका मसाज करूँगी, और इससे मेरे पाँव की सारी डेड स्किन रिमूव हो जाएगी और जो भी डर्ट वगैरह है वो सब निकल जाएगी। अच्छे तरीके से आप स्क्रबिंग करें पाँव के ऊपर की साइड पे भी और हील की साइड पे भी। देन अपने पाँव को अच्छे तरीके से वॉश कर लें, सादे पानी से पाँव को अच्छे तरीके से वॉश करें। देन टॉवल ड्राई करने के बाद आप अपने पाँव को फीट अप लगाकर सॉफ्ट करें। फीट अप बहुत ही अच्छी क्रीम है जो आपके पाँव को बहुत अच्छे से सॉफ्ट कर देती है। ये आपके पाँव को काफ़ी दिनों तक सॉफ्ट रखती है और ये पाँव के अंदर बिल्कुल आपके स्किन में जो है एब्जॉर्ब हो जाती है। अच्छे तरीके से आप इसका मसाज करते हुए दोनों पाँव के ऊपर, ऊपर की साइड पर भी और हील की साइड पर भी इसको अप्लाई करेंगे, और ताकि ये अच्छे तरीके से आपके पाँव में एब्जॉर्ब हो जाए। पायल है चनक।